रासमन नगर परिषद की रविवार को हुई बजट बैठक में हुए हंगामे का मामला तूल पकड़ने लगा है। इसी कड़ी में आज रासमन जिला भाजपा की ओर से विधायक दीप्ति माहेश्वरी की अगुवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हंगामे में शामिल दो सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग की। साथ ही बैठक में हंगामा कर रहे पार्षदों पर भी अंकुश लगाने की मांग की गई। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बताया कि रविवार को नगर परिषद की बजट बैठक में कांग्रेसी पार्षदों ने अमर्यादित आचरण किया और भाजपा पार्षदों के साथ मारपीट और बदसलूकी की। इस दौरान महिला पार्षदों के साथ भी अभद्रता की गई। इस बैठक में नगर परिषद की एलडीसी कर्मचारी रेणु शर्मा और पार्षद राजकुमारी पालीवाल के पति और शारीरिक शिक्षक दाऊलाल पालीवाल ने हंगामा कर रहे कांग्रेसी पार्षदों के साथ दिया और भाजपा पार्षदों से अभद्र व्यवहार किया। ऐसे में दोनों कर्मचारियों के खिलाफ नियम अनुसार कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। कल हंगामे की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वहीं विधायक माहेश्वरी के जिला कलेक्टर से मांग करते हुए कहा कि नगर परिषद सभापति समेत अन्य कांग्रेसी पार्षदों को पाबंद किया जाना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष कुमावत ने कहा कि विरोध जताना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन कल जो नगर परिषद की बैठक में हुआ वह लोकतंत्र का काला अध्याय था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसी मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भाजपा नेता नगर परिषद कार्यालय के बाहर से रैली के रूप में जिला कलेक्टर पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट गेट पर जमकर नारेबाजी की। गवर्नमेंट इन लोगों ने एलडीसी ने और टीचर ने जो करा है उसके खिलाफ हमें वो मिले और आगे चलकर ऐसा कभी ना हो। एफआईआर दर्ज कराना, मुकदमे करना, ये सब चीज़ों में जाने से अच्छा है हम तो ये चाहते हैं कि शांति से ये मीटिंग भी हो और राजसमंद की विकास की बातें उस मीटिंग में हो सके। आंदोलन तो डेफिनेटली देखिए क्या है कि इसके अंदर हमारी तरफ से जो आंदोलन चालू हुआ है इन सभी पार्षदों के साथ, बीजेपी और हम सब एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। हम सब मिलकर ही इस आंदोलन को चालू रखेंगे और कहीं ना कहीं जब तक उन दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक तो ये आंदोलन जारी रहेगा। और उसके बाद भी आशा यही करेंगे कलेक्टर साहब से कि अगली कोई बोर्ड की बैठक हो तो उसमें इस प्रकार का जो इस बैठक में चालू हुआ है वो रिपीट ना हो। नगर परिषद की जो बैठक हुई उसमें जो हमारे भाजपा पार्षदों के साथ में जो धक्का मुक्की की, मारपीट की, महिला पार्षदों के साथ में जो बदतमीजी की, मैं तो मान रहा हूँ कि इतने शांत प्रिय इलाके में और इतनी बोर्ड की बैठकें हुई लेकिन इतिहास में कल का दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। बिल्कुल धक्का मुक्की किए। हमारी एक जो लेडीज पार्षद है खुशबी भील, वो नीचे गिर गई थी, हम सब ने उसको संभाला, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। मतलब आप ये देखिए कि इन्होंने इतने गुंडागिर्दी पे उतर गए जिसकी कोई हद नहीं।